वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज एक। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 बाय एल बसोरिस्टर। ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही अवेयरनेस क्रिएट करने वाली स्टोरी है। बच्चों की कहानी है, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनकी कहानी है, और किस प्रकार से स्कूल के स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी हरकतें करते हैं जो दूसरे बच्चों के लिए डीमोटिवेशन का काम करती है, उनको निराश करने का काम करती है। तो कुछ इसी थीम पर आधारित ये स्टोरी रहेगी आपकी। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने जो प्रीवियस वीडियोज है उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, आपको वहाँ से आपका पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप एंजॉय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मूव करते हैं सबसे पहले इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स की तरफ, और जो मेन कैरेक्टर्स इस स्टोरी के अंदर रहेंगे वही मेन कैरेक्टर्स इसका पार्ट सेकेंड आएगा उसके अंदर भी रहेंगे, ठीक है। तो पहला मेन कैरेक्टर है मैडी, जो एक लड़की ही है। याद रखिएगा, ये जो मेन कैरेक्टर्स होंगे सभी फीमेल मेन कैरेक्टर्स होंगे। इनमें जो मैडी है वो एक थॉटफुल मतलब एक दिमागदार लड़की है, अच्छी लड़की है, काइंड दयालु है, फ्लेक्सिबल, नरम स्वभाव की है, टिमिड लेकिन कायर है ना, नरम है लेकिन कायर है, फ्रेंडली दोस्ताना व्यवहार है, कंप्रोमाइजिंग गर्ल, और कंप्रोमाइज़ करती है कई जगह पर जहाँ पर नहीं भी करना चाहिए। दूसरा कैरेक्टर है पैगी, ये एक एरोगेंट लड़की है। एरोगेंट का मतलब होता है अकड़ालू टाइप, है ना, जिद्दी टाइप लड़की है, नोटी, शरारती भी है, अनफॉरगिविंग, जो नॉर्मली किसी को माफ़ नहीं करती, कुछ इस प्रकार की लड़की है। सैडिस्ट, सैडिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जो दूसरों को तंग करने में खुशी का अनुभव करती है। सैडिस्ट लोग वो होते हैं जो दूसरों को दुख दूसरों को दे करके अच्छा महसूस करते हैं, है ना। तो ये जो पैगी नाम की लड़की है स्टोरी के अंदर, ये किसी को तंग करती है और उसको तंग करने में उसको मज़ा आता है, अच्छा लगता है। पॉपुलर है, पॉपुलर इस वजह से है क्योंकि ये इंटेलिजेंट है। और राउडी गर्ल, राउडी गर्ल का मतलब होता है जिसके साथ जो करना होता है, दबंग होती है उसके साथ वो कर डालती है, ठीक है। इसके बाद है तीसरा कैरेक्टर वांडा, जिसका पूरा नाम है वांडा पेंट्रोन्स्की, इसको आप याद रखिएगा। एन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है एक ऐसी लड़की, एक ऐसा कैरेक्टर जो अपनी बात जनरली किसी के साथ शेयर नहीं करती, अपने ही अंदर रखती है। सिंपल लड़की है, लोनली एक अकेली लड़की है ना, मतलब यूजुअली इसके कोई फ्रेंड नहीं है, पक्के वाले फ्रेंड नहीं है। सेंसिटिव गर्ल, एक समझदार लड़की है। कहानी को शुरू करते हैं। टुडे, आज के दिन जो कि मंडे का दिन है, वांडा पेंट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट, आज वो अपने स्कूल में नहीं आई हुई है, अपनी सीट पर वो नहीं बैठी है। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट, यूजुअली वांडा एक ऐसी सीट पर बैठती है जो कमरे के अंदर लास्ट वाली सीट से अगले वाली सीट जो होती है, सेकंड लास्ट सीट जो होती है उस पर वो बैठती है, इन रूम नंबर 13, रूम नंबर 13 में, बिकॉज ऑफ मड, क्योंकि कीचड़ की वजह से एंड डर्ट, गंदगी की वजह से, कैरिंग विद हर, जिसको वो अपने साथ लेकर के आती है फ्रॉम बोगिंग हाइट्स। तो जिस जगह वो रहती है उस जगह का नाम है बोगिंग हाइट्स, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर साफ सफाई बहुत ज़्यादा नहीं है, रास्ते में कीचड़ भरा पड़ा रहता है, गंदगी है। और जब वो लड़की वहाँ से आती है तो रास्ते में आते आते उसके शूज़ जो होते हैं वो कीचड़ में सन जाते हैं, और उसी कीचड़ को लेकर के वो क्लासरूम के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब इसमें लड़की की तो मेरे हिसाब से कोई गलती है नहीं, ठीक है। समटाइम्स, कई बार, बोथ पैगी एंड मैडी, जो दोनों लड़कियां हैं, और याद रखिएगा पैगी और मैडी ये दोनों पक्के वाली सहेली है, ठीक है, वांडा नहीं है, विद अदर स्टूडेंट्स, दूसरे बच्चों के साथ वेटेड, जो इंतजार किया करते थे फॉर वांडा, वांडा के लिए
टू हैव फन विद हर। अब कहते हैं ना, जो कमज़ोर होता है सब उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो पैगी और मैडी दोनों मिलकर के दूसरे बच्चों के साथ इसका वांडा का इंतज़ार करते हैं, ताकि वो आएगी गंदे कपड़ों में और उसकी फिर हम मजाक उड़ाएंगे और मौज लेंगे। ठीक है, मास्टरमाइंड याद रखिएगा, मास्टरमाइंड इनमें पैगी ही है। ठीक है, पैगी जो है, जिसको मैंने बताया था, एरोगेंट लड़की है, रिच भी है, अमीर भी है, तो सब इसको फॉलो करते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन ट्यूजडे को, वांडा वाज नॉट इन द स्कूल। आज भी वो स्कूल में नहीं है, बट सी वाज नोटिस्ड ऑन वेडनसडे। लेकिन ट्यूजडे को भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वेडनसडे को ध्यान देते कि भाई, एक लड़की जिसका हम रोज़ मजाक उड़ाया करते थे, 2 दिन से कोई मजाक बजाक नहीं चल रही, तो है कहाँ वो। ठीक है, तो वेडनसडे को इस बात को नोटिस किया जाता है कि वांडा 2-3 दिन से नहीं आ रही है। एज देर वॉज नोट मड इन द वे, रीज़न यही भी था कि जिस रास्ते से वो जाते थे क्लास के अंदर, तो उस रास्ते में अब कीचड़ नहीं मिल रहा था। अब कीचड़ लेके कौन आता है? वांडा पेंट्रोन्स के। इसका मतलब नहीं, कीचड़ नहीं है तो वांडा भी नहीं है। मैडी वोर पैगीज ओल्ड क्लोथ्स। अब मैडी जो है, जो पैगी की फ्रेंड है, पैगी रिच है, तो इसलिए पैगी की माताजी, मैडी की माताजी को पैगी के पुराने कपड़े दे देती है कि जाओ मेरी लड़की को पहना लेना। तो इसलिए मैडी उसके प्रेशर में भी रहती है, क्योंकि वो उसके कपड़े तक यूज करती है ना। तो मैडी के कायर होने का एक रीज़न ये भी है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड है। वांडा पेंड्रोन्स की वाज ए स्ट्रेंज नेम। तो वांडा पेंड्रोन्स की अपने आप में काफ़ी स्ट्रेंज नेम था क्लास के अंदर, क्योंकि क्लास के अंदर नाम हुआ करते थे थॉमस, स्मिथ और एलेन। इसके अलावा एक दूसरा स्ट्रेंज नेम था विली बाउंस। मतलब क्लास के अंदर वांडा पेंट्रोन्स की और विली बाउंस दो अजीब से नाम थे। रीज़न ये है कि वांडा पेंट्रोन्स की और विली बाउंस ये बेसिकली उस जगह के नहीं है जिस जगह के पढ़ते हैं, ये कहीं से बाहर से आए हुए लोग हैं। वांडा पेंट्रोन्स की एक पोलिश गर्ल है, पोलिश का मतलब ये पोलैंड से आई हुई लड़की है, तो इसका नाम बिल्कुल अलग सही होगा, है ना। तो अलग देश की लड़की है, तो अलग जगह की लड़की है, तो डेफिनेटली नाम भी अलग सा होगा। तो लोग जो होते थे, मतलब दूसरे स्टूडेंट होते थे, वो इसके नाम का मजाक उड़ाया करते थे। ठीक है, वांडा ऑलवेज वोर ए फैडेड ब्लू ड्रेस। वांडा हमेशा एक पुरानी सी नीले रंग की ड्रेस पहना करती थी, दैट हैड बिकम शॉर्ट। और वो नीले रंग की ड्रेस, चूंकि एक ही थी, कई साल से पहन रही थी, तो वो छोटी भी हो गई थी। बट वैन मिस मैसन, जो कि इनकी टीचर थी, उसने पूछा हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव इन ऑल इन योर क्लॉजेट, कि तुम्हारी अलमारी के अंदर टोटल कितने ड्रेसेस हैं। सी रिप्लाइज, वो कहती है, सी का मतलब है वांडा पेंट्रोन्स की, रिप्लाई करती है 100 with 60 pairs ऑफ शूज, कि कुल मिला करके मेरे पास 100, मतलब 100 ड्रेसेस है, और जिसमें जिसके साथ साथ 7 जोड़ी शूज भी हैं मेरी अलमारी के अंदर। ठीक है, ऑल अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हर। और इस बात को भी दूसरे बच्चों ने मजाक बनाया कि इसके पास 100 जोड़ी कपड़े हैं और पहन के एक ही आती है, तो रोज़ उसको कहा करते थे, अच्छा तुम बताओ तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं। वो रोज़ हमेशा कहती थी कि 100 जोड़ी कपड़े हैं। फिर अगले दिन आते थे, कितने बताओ कितने कपड़े हैं, वो बोलती थी 100 जोड़ी कपड़े हैं। ठीक है, तो उसका इसी प्रकार से क्लास के अंदर मजाक बनता रहता था। इट इज़ आ डिज़ाइनिंग कंपटीशन टुडे, आज एक डिज़ाइनिंग कंपटीशन मतलब पेंटिंग ड्राइंग का कंपटीशन है। मिस मैसन, जो कि इनकी टीचर है, अनाउंसेस द विनर, वो विनर को अनाउंस करती हैं। जैक बैगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज, लड़कों की साइड से जैक बैगल्स नाम का लड़का है, वो जीतता है इस कंपटीशन को, क्योंकि उसने आउटबोर्ड मोटर, एक मोटर मतलब एक डिज़ाइन बनाया था उसने मोटर से संबंधित, वो टॉप पर आया, जो रूम नंबर 12 का विनर बना। मतलब जो लड़कों का रूम नंबर 12 है, उसमें जैक बैगल्स विनर बना। और अब लड़कियों का नंबर आता है, 1 or 2 sketches वर सबमिटेड फ्रॉम गर्ल्स, लड़कियों ने 1 या 2 अपनी ड्राइंग भेजी थी कंपटीशन में,
लेकिन ए गर्ल सबमिटेड 100 डिजाइन्स, लेकिन एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने 100 डिजाइन्स कंपटीशन में सबमिट किए थे। ऑल वर डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल, सारे के सारे ड्राइंग्स बहुत ही शानदार थी। सी इज वांडा द विनर इन द गर्ल्स, ये पेंटिंग सभी वांडा पेंड्रोंस्की ने बनाई हुई थी और वही लड़कियों में कंपटीशन में विनर थी। मतलब वांडा पेंड्रोंस्की जिन 100 ड्रेसेस की बात करती है, वो 100 ड्रेसेस उसकी वे ड्रेसेस हैं जिनको उसने ड्रॉ किया हुआ है, जिनकी पेंटिंग बनाई हुई है, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से वांडा इज एबसेंट टुडे, वांडा आज एबसेंट है। ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग बॉयज प्रेज्ड ओपन हार्टेडली वांडा, सब मिलकर के यहाँ तक के लड़कों ने भी वांडा पेंड्रोंस्की खूब दिल से पढ़ाई की, प्रशंसा की कि सच में वो एक टैलेंटेड लड़की है और शानदार लड़की है। यहीं पर आपका पार्ट वन कंप्लीट हो जाता है। यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। इसके पार्ट टू को भी मैं चैनल पर आपको अपलोड कर दूंगा, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी सक्सेसफुल होइए, मैं भी सक्सेसफुल होता हूँ, क्योंकि मुझे चैनल ग्रो करना है और तुमको अपने बोर्ड एग्ज़ाम पास करने हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।